खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, बहराइच हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, सभी दंगाइयों पर एनएसए लगाया जाएगा, एनएसए के तहत सभी को जेल में रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पुलिस ने हिंसा के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगातार बहराइच हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला भी सामने आया है, सभी दंगाइयों पर एनएसए लगाया जाएगा। बहराइच हिंसा के मामले में लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं बहराइच हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है, सभी दंगाइयों पर एनएसए लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है, एनएसए के तहत सभी को जेल में रखा जाएगा। पुलिस ने हिंसा के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल ही 2 हाफ एनकाउंटर में घायल भी हुए, सरफराज और तालिब, जिसके बाद से लगातार सियासत भी तेज है और अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत सभी को जेल में रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी सामने आया है। तो बहराइच हिंसा पर लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, 2 का हाफ एनकाउंटर भी किया गया था। हालांकि दोनों आरोपी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वही बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, करीब 2 दर्जन अवैध निर्माण की पहचान। हिंसा के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण का सर्वे, यूपी के बहराइच जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है, आरोपियों के घर पर अब होगी बुलडोजर की कार्रवाई। तो बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजता हुआ नजर आएगा, करीब 2 दर्जन अवैध निर्माण की पहचान भी की गई है। तो आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है, करीब 2 दर्जन ऐसे मकान है अवैध निर्माण है जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई जल्दी देखने को मिलेगी। तो आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है प्रशासन, लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है प्रशासन, करीब 2 दर्जन अवैध निर्माण की पहचान की गई है। हिंसा के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण का यह सर्वे, जिसके बाद 2 दर्जन अवैध निर्माण बताए जा रहे हैं। यूपी के बहराइच जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है, आज जुम्मे का दिन है, इसको लेकर भी सुरक्षा लगातार सख्त है और पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कल ही 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर भी किया गया था। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अब बुलडोजर की कार्रवाई, ये मांग लगातार पीड़ित परिवार के द्वारा की जा रही थी कि वो बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं और अब एक बार फिर से 2 दर्जन ऐसे मकान बताए जा रहे हैं, अवैध निर्माण बताए जा रहे हैं, जिस पर जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बहराइच हिंसा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि गुनाहगार बचेगा नहीं और बेगुनाह छेड़ा नहीं जाएगा। अब बहराइच हिंसा के जो गुनाहगार है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जितने भी गुनाहगार है इनके ऊपर एनएफए के तहत कार्रवाई की जाएगी और अगर इन्होंने 1 भर भी जमीन सरकारी या गैर कानूनी ढंग से संपत्ति इकट्ठा की है तो इन पर बुलडोजर की कार्रवाई तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है बहराइच हिंसा में, गुनाहगार कतई वक्त पे नहीं जाएंगे, एनएसए कानून के तहत कम से कम 1 साल जेल में रहेंगे, क्योंकि एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसमें 1 साल के पहले जमानत नहीं हो सकती है। अब तक 65 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ताबड़तोड़ पुलिस के छापेमारी चल भी रही है। आप बनता है इस बात का पूरा कयास लगाया जा रहा है, ये गुनाहगारों की संख्या 200 भी पार कर सकती है। तो कहने का मतलब है महाराजगंज में कम से कम 200 लोगों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब वहां पर पैमाइश भी शुरू कर दी गई है, बुलडोजर चलाने की जो है वो कार्रवाई जमीन पर नजर आ रही है। किसी भी वक्त जो है महाराजगंज में बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया है बहराइच हिंसा को लेकर के, कोई भी गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा, ऐसे इसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।
कुंवर दिवाकर, क्या कुछ स्थिति अभी बहराइच में, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार बढ़ाई जा रही है? से दो मुठभेड़ में घायल हो गए, तो उनको जो है पुलिस आज न्यायालय ले गए, लेकिन न्यायालय में गवाहगामी के बीच जो है ये नहीं की जज के घर पर पेश की, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जज के घर पर बढ़ा दी गई है, उनको न्यायालय में ले जा करके घर पे ले जाया गया है, कहीं किसी प्रकार का कोई बवाल न हो, इसके बाद उनको जेल भेजा जा रहा है। अब तक गिरफ्तारी की बात नहीं तो 65 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके थे, 5 लोग 70 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी जी की सीधी नजर है और जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी इससे पुलिस प्रशासन भी सख्त एक्शन लिए हुए हैं, लगातार शहर में फ्लैग मार्च चल रहे हैं और लोगों से यह अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, जीवन जो है सामान्य तरह चल रहा है और सामान्य तरीके से जो है अभी आवागमन शुरू हो गया, महाराज में दुकानें लगभग खुलने लगी है, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलने लगी है। जी बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जा रही है, लगातार पीर परिवार की तरफ से ये मांग भी की जा रही थी, अभी क्या कुछ स्थिति है बहराइच में और कब तक बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बहराइच जनपद के बाद जो है कुछ स्थितियां जो है अपमान्य हो गई थी, जिसके चलते हुए पुलिस प्रशासन ने वहाँ इंटरनेट जो है बंद कर दिया था, हालांकि अब इंटरनेट बहाल हो गया है और जो आम जनजीवन है वो पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। महाराजगंज जहाँ पर हिंसा हुई थी, जहाँ पर गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, वहाँ पर भी अब दुकानें जो है वो खुलने लगी थी, दो दिन पहले तक लोगों के घरों में ताले थे, लेकिन अब लोग वापस लौटने लगे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही पटरी पर व्यवस्था आ जाएगी, आम जनजीवन जो है वो सामान्य होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि मामला लगातार शांत होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन अपनी निगरानी बनाई हुई है। दिवाकर, क्या कुछ, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हुआ है, हाफ एनकाउंटर पर लगातार सियासत भी तेज नजर आई, लेकिन रामगोपाल मिश्रा की जो पत्नी है रोली मिश्रा, उन्होंने आरोप लगाया है कि घूस ली जा रही है प्रशासन के द्वारा, वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने सख्त आरोप लगाया पुलिस पर कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से एनकाउंटर हुआ है और जो है इनको जो है हाफ फ्राई किया गया, गोली नहीं मारी गई है। वही पीडब्ल्यूडी द्वारा इनका जो है घर जो है आरोपी का नापा गया है और घर का आधा बरामदा लगभग रोड के अतिक्रमण में आता है, लगभग एक दर्जन घर इधर एक दर्जन घर उधर उसमें आ रहे हैं, सभी पर जल्दी जल्दी बुलडोजर चलाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी लगातार नाप के लाल निशान से इसको धन का निशान बना दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी नाप की तहमत हो गए, रिपोर्ट देंगे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बुलडोजर चल सकता है। वही सुरक्षा की व्यवस्था कही जाए तो महाराजगंज से लेकर बहराइच जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लगातार बड़े अधिकारी नजर बनाए हुए हैं कि कई प्रकार का जुमे की नमाज से लेकर कोई बवाल न हो। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफ से हाफ एनकाउंटर होता है, उसके बाद सरफराज की जो बहन है उसका भी एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहती हुई नजर आती है कि उसके पिता को उठा ली गई है पुलिस और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं सरफराज की बहन के द्वारा? देखिए अभी सरफराज की बहन का भी एक वीडियो वायरल हुआ था और अब जो है गोपाल मिश्रा की जो पत्नी है रोली मिश्रा उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। सरफराज की बहन का ये मानना था कि उनके भाइयों के साथ अनहोनी हो सकती है, उनको उठाया गया है और वही रोली मिश्रा बात कर रही है कि कार्रवाई मिली नहीं है, आप एनकाउंटर नहीं फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, जिस तरह गोपाल मिश्रा की हत्या की गई है उस तरह से गुनहगार है, उनके साथ भी वैसा बर्ताव होना चाहिए था, इस तरह के आरोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन कानून जो है अपने हिसाब से काम करता है। फिलहाल बहराइच जनपद में जो है आपका और कुंवर दिवाकर जी निगाह बनाए रखिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, करनी विहार इलाके में चाकूबाजी, जागरण कार्यक्रम में हुई चाकूबाजी, शरद पूर्णिमा उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें चाकूबाजी होती हुई नजर आई, घटना में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, आरएसएस कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं घायल, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। तो जागरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, शरद पूर्णिमा उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तो करनी विहार इलाके में चाकूबाजी की गई है, हालांकि स्थिति भी तनावपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता इस चाकूबाजी की घटना में घायल बताए जा रहे हैं।
तो आरएसएस कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं घायल। जागरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसके बाद से स्थिति भी तनावपूर्ण है। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो करनी विहार इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसके बाद से लगातार स्थिति तनावपूर्ण। जागरण कार्यक्रम में ये चाकूबाजी की गई। शरद पूर्णिमा उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता भी इस घटना में घायल हुए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जागरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। लगातार पुलिस की भी मौजूदगी है और हालात को काबू में रखने की भरपूर कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। 8 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। जागरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना हुई है। शरद पूर्णिमा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो घटना में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, जिसके बाद से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ है ये मामला और अभी कैसी स्थिति? देखिए, देर रात जयपुर में जहां एक और शरद पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर आरएसएस की ओर से खीर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, करनी विहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर देर रात को जहां जगह पर मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा, वही पड़ोस में रहने वाले दो पिता और पुत्र ने वहां पर विरोध करना शुरू किया। दरअसल पूरा मामला जब पुलिस ने जाना तो वहां पर लाउड स्पीकर यानी कि जागरण को लेकर उन्होंने विरोध जताया था। उसके बाद दोनों की जब आपसी आसुनी हुई तो मामला इतना बढ़ गया कि वो मारपीट में उतर आए। इसके बाद जब पूरे मामले को देखकर वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे तो जो पिता और पुत्र थे आरोपी, उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर वहां आरएसएस के जो तमाम लोग मौजूद थे उन पर चाकूबाजी कर दी। और उस दौरान चाकू मारने के दौरान कम से कम 10 अभी लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि पूरा मामला बढ़ने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया है और पूरे मामले को लेकर रात को ही जहां पर जो विधायक है गोपाल शर्मा, उसके बाद कर्नल राज्यवर्धन राठौर जो मंत्री है, वो उन लोगों ने मौका पर पहुंचकर वहां लोगों से बातचीत की और इस दौरान देखा कि जो स्थिति थी वहां पर, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था जहां पर मुख्यमंत्री खुद जयपुर में बैठते हैं, आरएसएस का कार्यक्रम था और जहां इस बड़े कार्यक्रम को लेकर बड़ी घटनाएं होती है, और महज करनी विहार जो थाना है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, वो भी 1 किलोमीटर के दायरे में, जब इस दौरान ये घटना हुई है तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसे लेकर अब ये माना जा रहा है कि आरोपी है उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है और जल्दी ये माना गया है कि जो आरोपी है उनको राउंड अप करने की तैयारी पुलिस कर रही है। पिता और पुत्र भी घायल हैं। ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारी। खबर कानपुर से है, जहां नाबालिग की हत्या मामले में परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर शव उठा ले जाने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि पुलिस की पिटाई से मृतका की बड़ी बहन भी घायल हो गई। बता दें कि इस घटना से आक्रोशित होकर शव को रोड पर रखकर जाम लगाया गया। तो यूपी राज्य मंत्री ने परिजनों से मुलाकात भी की है और हर संभव कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वही खबर बिजनौर से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर टहलने निकली 2 महिलाओं को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों महिलाओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दौरान पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जन स्वराज पार्टी चीफ प्रशांत कुमार प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू ही नहीं हुई, शराबबंदी केवल नेताओं के भाषण में है लेकिन घर घर में शराब बिक रही है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं हुई, बहुत सी घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं हुई है। सरकार को यह समझना होगा कि शराब
बंदी सिर्फ दुकानों पर ही बंद है। क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। भाई जब हम पहले व्यक्ति हैं जो जन सुराज में पिछले दो बरस से कह रहे हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ शराब की दुकान बंद है, घर घर में शराब बिक रही है और उससे समाज का, बिहार का, बिहार की अर्थव्यवस्था का, हर समाज के हर तबके को परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ इससे फायदा बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों का, बिहार के भ्रष्ट नेताओं का और शराब माफिया का है। इसीलिए तो जन सुराज कह रहा है कि भाई तुरंत इसको हटाइए, क्योंकि आप जब इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं जहां पर कि कोई कानून का प्रावधान नहीं है, लोग अपने घरों में शराब बना रहे हैं, उसको पी रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है और पूरी तरीके से अधिकारी और शराब भ्रष्ट अधिकारी और शराब माफिया इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, सरकार का 20,000 करोड़ का अलग नुकसान है। और ये पहली घटना में हुई है छपरा में, 1.5-2 साल पहले 70 से ज्यादा दुखद मृत्यु हुई थी और हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग की जो सरकार में लोग हैं वहां जाना तक नहीं गंवारा समझता है। ये पहली घटना हो तब तो उस पर बात करी, बहुत दुखद है और संख्या भी अभी तक किसी को नहीं पता है कि 27 है, क्योंकि लोकल लोग बता रहे हैं कि भैया संख्या इससे बहुत ज्यादा है। और जिस जिले में अभी 1-1.5 वर्ष पहले 70 से ज्यादा मौत हुई, आप ये दिखाता है कि प्रशासन और यहाँ का तंत्र कितना ज्यादा शराब माफिया के साथ मिला हुआ है कि 60-60, 70-70 बेगुनाह लोगों की मौत के बावजूद इनकी आंख नहीं खुल रही है। पैसा कमाने के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में शराब माफियाओं को बिहार में खुली छूट है कि आप अच्छी शराब बेचिए, गलत शराब बेचिए, जाली शराब बेचिए, जहरीली शराब बेचिए, पैसा कमाइए, नेताओं को अफसरों को पैसा देते रहिए, बिहार की जनता मर रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर कोर्ट का फैसला टल गया है। लखनऊ हाई कोर्ट ने मिल्कीपुर सीट के लिए 1 सप्ताह के लिए फैसला टाल दिया है। इस कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबे चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर गुरुवार को फैसला नहीं हो सका। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मामले की सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अदालत ने साल 2022 विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजने का भी आदेश जारी किया है। 2 नवंबर के बाद मामले की अगली सुनवाई होनी है। 2022 में जब मुझे पता चला कि माननीय देश प्रसाद जी ने जो कागज एफिडेविट लगाए थे, जो जिसको उन्होंने नोटरी कराई थी, वो नोटरी करता 10 वर्ष पूर्व भी उनका लाइसेंस समाप्त था, उसको लेकर मैंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका पे सुनवाई चल रही थी, इसी बीच में वो सांसद बनते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसको शून्य मान लिया गया, जो हम लोगों ने विधि कराया ली उसमें निकल कर आया था। अब जब 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था, तो हम लोग चौके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ, कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया, आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के, अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है, अरे भाई ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं, उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आज ने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है। वही कटहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व अधिकारी न्यायालय कक्ष में नामांकन पत्र खरीदने और दाखिल करने का काम होगा। इसके लिए सभी तैयारी बृहस्पतिवार को देर शाम तक पूरी कर ली गई है। 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया कराई जाएगी, 30 अक्टूबर को नाम वापस होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 से 25 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। सामान्य जाति के उम्मीदवारों को 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को 5,000 रूपए जमानत धनराशि जमा करानी होगी। तो 30 अक्टूबर को नाम वापसी होगा। ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी सुविधा दी जाएगी।
वही खबर बहराइच से है, जहां तेंदुओं का कहर देखने को मिला है। बता दें कि रिहायशी इलाके में अब तक आधा दर्जन ग्रामीणों और कई मवेशियों को शिकार बना चुका है तेंदुआ। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो आधा दर्जन ग्रामीणों को इस तेंदुए ने शिकार बनाया अपना, मवेशियों का भी शिकार कर चुका था तेंदुआ। हालांकि वन विभाग की तत्परता के बाद पिंजरे में कैद कर लिया गया है तेंदुए को। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर का बयान, सपा के लोग माफिया के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पीड़ितों के लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला, माफिया अपराधियों के पक्ष में सपा खड़ी रहती है। इन्हें बहराइच में पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, तो सपा के लोग माफिया के साथ हमेशा ही दिखाई देते हैं। तो बीजेपी नेता का यह बयान सामने आया है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सपा के लोग सिर्फ माफिया के साथ खड़े दिखाई देते हैं, पीड़ितों के लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकलता। तो समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए बीजेपी के नेता जेपीएस राठौर। माफिया अपराधियों के पक्ष में सपा खड़ी रहती है, सपा के लोग माफिया के साथ दिखाई देते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।